बाजार के महंगे महंगे प्रोटीन पाउडर लेके परेशान हो गए और कोई असर नहीं दिख रहा है, तो आज मैं आपको होममेड है जो प्रोटीन पाउडर की रेसिपी बताऊंगी, जिसे आपने 15 दिन भी ले लिया ना तो इससे आपको फ़ायदे ही फ़ायदे होने वाले हैं। घर में रखी चीज़ों से आप बना सकते हो, बिना चीनी बनाएंगे हम इसे। और एक बार आप इसे बना के रख लीजिए, 15 से 20 दिन आराम से है जो इसे ले सकते हो। और इससे कब और कैसे और कितना लेना है वो भी मैं बताऊँगी, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, तो चलिए बना लेते हैं। हेलो दोस्तों, मैं गीता गोयल बागड़ी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन लेंगे, पैन में कुछ भी नहीं डालना है, यहाँ पे हमें सिर्फ मखाने डालना है और इसे हमें धीमी आंच पे अच्छे से क्रिस्पी होने तक भून लेना है। मखानों में आपको पता है खूब मात्रा में है जो कैल्शियम होती है, तो आप इसका है जो ज़रूर से सेवन करें। अगर आपने लगातार इसे है जो 15-20 दिन खाना स्टार्ट कर दिया ना, तो 15-20 दिनों में ही आपकी कैल्शियम की कमी, खून की कमी सब दूर करेगा। और यहाँ पे ये देख सकते हो अच्छे से क्रिस्पी हो गया है, तो इन्हें भूनने में लगभग 2 से 2.5 मिनट है जो लग जाएंगे, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इसे है जो साइड में निकाल देंगे, तो ज़्यादा इन्हें ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ इसे क्रिस्पी होने तक ही भून लेना है। अब उसी पैन में हम यहाँ पे डालेंगे मूंगफली, तो आपको पता है मूंगफली में भी खूब कैल्शियम होता है और मूंगफली हमारी हड्डियों को मजबूत भी बनाता है और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है, तो आप इसका भी सेवन कर सकते हो। तो आपको इसे भी है जो कढ़ाई में डाल के लगातार चलाते हुए इस तरीके से भून लेना है, धीमी धीमी आंच पे भुनेंगे तो अंदर तक अच्छे से पकेगी, इसका कच्चापन है जो निकल जाएगा। तो आप इसे भुनने के बाद में है जो इसे भी एक प्लेट में निकाल दीजिए और फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को ठंडा होने देंगे। तो आज जो हम प्रोटीन पाउडर बनाएंगे ना दोस्तों, इसमें आपकी खून की कमी, कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी को दूर करेगा, थकान कमजोरी कैसे भी हो वो भी आपके 15 दिन में ही दूर कर जाएगा। अगर आपका वज़न नहीं बढ़ रहा है तो आपका वज़न भी बढ़ेगा। कई बार क्या होता है, मार्केट से हम महंगे महंगे प्रोटीन पाउडर ले आते हैं मगर उनके फ़ायदे तो नहीं, हमें नुकसान हो जाते हैं कई बार, मगर जो ये हम होममेड है जो प्रोटीन पाउडर बनाएंगे ना, तो इसका हमें नुकसान नहीं फ़ायदे ही होंगे। तो बस अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिया है ये भुने हुए चने, तो आपको पता है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं और इनका सेवन हमें सभी को करना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको एक बड़े बर्तन में निकाल के और इसके जो छिलके हटा लेंगे। तो ये भुने हुए चने आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएंगे, तो आपको नमक वाले नहीं लेने हैं, जो फीके वाले आते हैं ना वही लेने हैं। और अब इसका छिलका है जो हटा देना है, तो जो बड़ा बड़ा छिलका इस तरीके से आसानी से हट जाए वो हम हटा देंगे। थोड़ा बहुत छिलका रह भी जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आपको हाथों से मसलते हुए इसका सारा छिलका हटा देना है। यकीन मानिए दोस्तों, जब आप खुद इसे ट्राई करोगे ना, तो फिर आप दूसरों को भी बताओगे कि कितना असरदार है। मैंने खुद इसे ट्राई किया है घर में और सभी को फ़ायदे भी हुए हैं इससे, तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ भी इस प्रोटीन पाउडर की है जो रेसिपी शेयर करती हूँ। तो सारा छिलका मैंने इस तरीके से छटक के निकाल लिया है, थोड़े बहुत ये रह गए हैं तो कोई बात नहीं है, इसका भी सल्यूशन बाद में हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, जो मूँगफली हमने भून के रखी है ना, इसका भी छिलका हटा देंगे। छिलका हटाने से क्या होता है, इसका टेस्ट आता है, आप चाहे तो छिलके को साथ में पी सकते हो, मगर भुनी हुई मूंगफली जब ठंडी हो जाती है ना, तो बहुत ही आसानी से ये छिलके हट जाते हैं। अब हम यहाँ पे एक मिक्सी का जार लेंगे और इसके अंदर जो हमने चने साफ करके रखे हैं ना, वो सारे यहाँ पे डाल देंगे। तो चना की मात्रा हमें डबल ट्रिपल लेनी है, थोड़ी ज़्यादा ही लेनी है और अच्छे से इसे फाइन सा है जो पीस के, और ये हमारा है जो सत्तू बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आपको ये सत्तू ले लेना है। अब हमें यहाँ पे एक है जो बड़ा सा बाउल लेना है और इसके अंदर ये सारा पाउडर डाल के और छान लेना है। छानने से क्या होता है, जो छोटे मोटे जो छिलके रहे थे ना, तो वो सारे छलनी में निकल जाएंगे और कोई साबुत भी रहेगा तो भी निकल जाएगा, नहीं तो क्या बाद में हम इसका है जो सेक बनाएंगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप इस तरीके से पहले इसे छान लीजिए। तो छानने के बाद में ये जो बचा है इसे हम फेंक देते हैं और अब हम क्या करेंगे, इसे रखेंगे साइड में और यहाँ पे हम फिर से वही मिक्सी का जार लेंगे। इसके अंदर हम यहाँ पे डालेंगे मखाने और मखाने के साथ में हम यहाँ पे कुछ और चीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी भर के बादाम लिए हैं और साथ में हम यहाँ पे थोड़े से काजू भी ऐड करेंगे। काजू चाहे तो आप स्किप कर सकते हो मगर बादाम को स्किप नहीं करना है। आप चाहे तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हो तो इसमें और भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हो, जैसे पिस्ता वगैरह, और साथ में जो मूँगफली हमने भुनी है वो भी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से है जो इसे पीस लेंगे। और ये देख सकते हो ये भी फाइन सा बिल्कुल पाउडर हो गया है। तो थोड़ा मैंने रोक के मिक्सी को चलाया ना प्लस मोड पे, तो अच्छे से ये फाइन सा पिस गया है।
तो अब आपको क्या करना है, उसी पाउडर में ये भी डाल देना है। तो काजू से क्या है, थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है, वैसे तो आप उसे स्किप कर सकते हो, और वैसे तो आपको पता है ड्राई फ्रूट तो फ़ायदे ही करती है, नुकसान नहीं करेंगे। तो आपको अब अच्छे से है जो इन्हें मिक्स कर लेना है, और बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आप इसमें कुछ और ड्राई फ्रूट कैसे ऐड कर सकते हो। तो पहले हम इसे मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद में ये देख सकते हो ये हमारा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। तो जिन्हें चीनी नहीं खानी है वो आप इसे ऐसे ही ले सकते हो, और जिसे शुगर की प्रॉब्लम नहीं है तो वो क्या करें, यहाँ पे चीनी की जगह मिश्री का इस्तेमाल करें। मिश्री है जो फ़ायदेमंद होती है। तो आपको ये धागे वाली मिश्री लेनी है, और इसका इस तरीके से कूट के चुरमला निकाल लेना है, और बाद में क्या करना है इसके धागे हटा देने हैं। तो इस तरीके से कूट के पीसेंगे ना तो मिक्सी जार ख़राब नहीं होगा, साबुत डाल दिया तो मिक्सी का जो जार होता है ना वो टूट जाएगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा खलबत्ते में डाल के या फिर चकले वगैरह से पे डर रख के अच्छे से इसे तोड़ लीजिए। अब हम इसे है जो मिक्सी छोटे वाले जार में डाल के और इसे अच्छे से है जो पीस लेंगे, फाइन इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। अगर मिश्री नहीं है तो आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हो, मगर चीनी से ना ये मिश्री है जो हेल्दी रहती है, तो आप यहाँ पे मिश्री का इस्तेमाल कर लीजिए। और अब जो हमने पाउडर बना के रखा है इसमें ये डाल देंगे। तो जैसे कि मैंने कहा जिन्हें शुगर है तो वो क्या कर सकती हो, बिना चीनी का भी बिना मिश्री का भी डायरेक्ट है जो ले सकती हो, और थोड़ी बहुत मिश्री इसमें ऐड कर सकते हो, या फिर लास्ट में क्या है थोड़े से जब बनाएं तो खजूर ऐड कर सकते हो, खजूर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो पहले हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे इस तरीके से बना के। अब आप क्या कर सकते हो, साफ़ सुथरे जार में भर के इसे आप 2 महीने तक आराम से है जो इंजॉय कर सकते हो, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होता है। मगर 15 दिन में आप देखोगे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप अगर आपने 15 दिन ही पी लिया ना तो कैसी भी थकान, कमजोरी, खून की कमी, हड्डियों में ऐसे उठते बैठते हैं तो दर्द होता है, वो बस मिनटों में दूर हो जाएगा। डॉक्टरों की हजारों हजारों की जो आप दवाई लेके आते हो ना उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो आप ये देख सकते हो मैंने डिब्बा भर के रख लिया है, थोड़ा है जो बच गया तो उसे मैं 2-3 दिन में है जो यूज़ कर लूँगी इसे मैं रख दूँगी। तो मैं क्या करती हूँ इसे ऐसे बना लेती हूँ और 15-20 दिन ही बस इसका सेवन कर लेते हैं, फिर से और ज़रूरत होती है तो बना लेती हूँ। तो बच्चों को दीजिए, बड़ों को, छोटों को, जवान को, जो भी लेना चाहते हैं वाले सकते हो। तो इसे बनाना कैसे है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 केले लिए हैं, मिक्सी जार में केलों को डाल दूंगी। तो मैं सिर्फ 2 गिलास बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 2 केले लिए हैं, तो बच्चों के लिए बना रही हूँ, बड़ों के लिए बना रही हूँ तो 2 केले का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो बच्चे छोटे हैं तो मैं यहाँ पे 2 केले का इस्तेमाल करूँगी, केलों को छील के इस तरीके से तोड़ के डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे यहाँ पे 1 बड़े गिलास जितना मैं यहाँ पे दूध ले रही हूँ, और इसमें दूध भी ऐड कर देंगे। और जिन का वज़न पहले से ही बढ़ा हुआ है वो भी इसका सेवन कर सकती हो। तो फिर क्या करें, दूध जब गर्म करें उसकी मलाई हटा के बाद में दूध का इस्तेमाल करें। और यहाँ पे मैंने है जो सिंपल दूध को गर्म करके ठंडा करके इस्तेमाल किया है, और 2 चम्मच भर के हम यहाँ पे ये वो प्रोटीन पाउडर डाल देंगे और अच्छे से इसे पीस लेंगे। तो इसके अंदर जब आप पीसें ना तो क्या कर सकते हो, इसमें आप खजूर भी ऐड कर सकते हो, खजूर की गुठली निकाल के डाल दीजिए, और या फिर आप अंजीर, पिस्ता, जो ये किशमिश वगैरह होती है इन्हें आप रात को भिगो के रख दीजिए, और फिर सुबह में भी इसमें ऐड करके इसे भी पीस के आप सेवन कर सकते हो, इससे टेस्ट भी बढ़ेगा और फायदे भी होंगे। मगर इस तरीके से आप सिंपल तरीके से ही बनाइए, सस्ते में बन जाएगा और इसके फायदे भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो 1 गिलास आप क्या करें, सुबह सुबह इसे पीजिए, रोज़ाना सुबह के टाइम में 1 गिलास आप है जिसे पी लीजिए, फिर चाय वगैरह कुछ नहीं लेना, आधे घंटे के लिए आप कुछ भी मत लीजिए, और फिर देखिए आपकी थकान, कमजोरी सब कोसों कोसों दूर रहेगी। तो दोस्तों आप भी इसे ट्राई करें, और अपने जाने वालों को, रिश्तेदारों में भी ये है जो रेसिपी आप ज़रूर से बताएं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।